हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सिविल यूजर्स चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायमेंशन टूल बार के कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन टूल्स के बारे में, जो ऑटोकैड में काम करते हुए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जब आप प्लानिंग करते हो या कुछ भी आप ऑटोकैड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी ड्राइंग्स बनाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आज मैं आपको इन 10 डायमेंशन टूल्स के बारे में बताऊंगा जो ऑटोकैड में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने स्टार्टिंग की 3 डायमेंशंस के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो को जाके चेक करो, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने इन तीनों कमांड्स के बारे में ब्रीफली बताया है अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड हमारी नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी डिम अलाइन कमांड, जिसकी शॉर्ट की होती है DAL। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार ऑटोकैड में यही कहता हूँ कि हमें शॉर्ट कीज पे काम करना है, क्योंकि शॉर्ट कीज पे काम करने के 2 फायदे होते हैं। पहला, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप ऑटोकैड में काम करते हो तो आप शॉर्ट कीज़ की मदद से बहुत ही फास्ट स्पीड से काम कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप कभी इंटरव्यूज़ में जाते हो, सपोज़ करो कि आप अपने घर पे या अपने ऑफिस में 2018 या 2020 ऑटोकैड का वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप इंटरव्यूअर जब आप हो सकता है 2010 वर्ज़न में या 2012 या 14 वर्ज़न में आपका टेस्ट ले, तो आपको ऑटोकैड का वो वर्ज़न यूज़ करने में कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट कीज़ जानते हैं तो शॉर्ट कीज़ की मदद से आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं डायमेंशन अलाइन कमांड के बारे में। डायमेंशन अलाइन कमांड का यूज़ किसी नॉन वर्टिकल और एक अलाइन लाइन की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक ये लाइन है, ये एक नॉन वर्टिकल लाइन है, तो मैं इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करूँगा। एक तो यहाँ से भी मैं चेक कर सकता हूँ, ये हमारा अलाइन टूल है, और एक यहाँ से मेन्यू बार में जाके भी चेक कर सकता हूँ ये यहाँ पे। लेकिन हमें शॉर्ट कीज़ पे काम करना होगा, तो शॉर्ट की है इसकी DAL, एंटर। ठीक है, अब ये शो कर रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो मैं इसको फर्स्ट पॉइंट दूंगा, फिर यहाँ से सेकंड पॉइंट, और ये यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो तरीका हो गया ये, लेकिन मैं इसको और भी फास्ट तरीके से करूँगा, तो मैं क्या काम करूँगा, DAL, एंटर एंटर, और यहाँ पर क्लिक करके सीधा नीचे ड्रैग कर दूंगा। इस तरह से मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी डायमेंशन आर्क कमांड। डायमेंशन आर्क कमांड का यूज़ बेसिकली हम किसी आर्क की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक आर्क ले लेता हूँ यहाँ पे, ARC, ये देखिए मेरे पास एक आर्क है, मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, ये हमारी आर्क लेंथ का टूल है, और यहाँ से डायमेंशन मेन्यू बार में से भी जाके मैं इसको चेक कर सकता हूँ ये यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें शॉर्ट कीज पे काम करना है तो DAR, एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे शो कर रहा है सिलेक्ट आर्क और पॉलीलाइन, ये देखिए इस तरह से मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ये हमारी आर्क की लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करें। नेक्स्ट कमांड है हमारी डायमेंशन रेडियस कमांड। डायमेंशन रेडियस कमांड का यूज़ हम किसी भी एक सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। डायमेंशन रेडियस कमांड की शॉर्ट की होती है DRA। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सी, एंटर। ये देखिए मैंने एक सर्कल लिया, मुझे इसकी रेडियस चेक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, DRA, एंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे शो कर रहा है सिलेक्ट आर्क और सर्कल, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, बाहर ड्रैग करूँगा, ये देखिए ये इसकी रेडियस कैलकुलेट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करें। नेक्स्ट कमांड है हमारी डायमेंशन डायमीटर कमांड, जिसकी शॉर्ट की होती है DDI। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, सी, एंटर। यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लिया और मुझे इस सर्कल की डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूँगा, DDI, एंटर। ठीक है, सिलेक्ट सर्कल, और ये देखिए ये हमारा इतने डायमीटर का सर्कल है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारी डायमेंशन एंगुलर कमांड। डायमेंशन एंगुलर कमांड होती है किसी भी एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना। जैसे कि मेरे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, अभी मुझे इन दोनों के बीच का कोई एंगल कैलकुलेट करना है, ये कितने एंगल पे बनी हुई है, तो मैं क्या काम करूँगा, शॉर्ट कीज़ का यूज़ करूँगा, और यहाँ से भी मैं इसको ले सकता हूँ, ये हमारी एंगुलर कमांड है, और मेन्यू बार में जाके भी चेक कर सकता हूँ, ये हमारी एंगुलर कमांड है। तो फ्रेंड्स मैं शॉर्ट की एंटर करूँगा, DAN, एंटर। अभी ये शो कर रहा है सिलेक्ट आर्क, लाइन और सर्कल, तो मैं क्या काम करूँगा, एक लाइन यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक यहाँ पे क्लिक करूँगा, और ये ऊपर ड्रैग कर दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसने इसका एंगल शो कर दिया, 90 डिग्री पर बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसे मुझे इसका आउटर एंगल और एक्सटर्नल एंगल निकालना है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, उसके लिए मैं डायमेंशन एंगुलर कमांड का यूज़ करूँगा। डायमेंशन एंगुलर कमांड के लिए DAN, एंटर।
तो स्पेसिफाई वर्टेक्स शो कर रहा है तो मैं एंटर कर दूंगा। उसके लिए एक एंगल पॉइंट मुझे दे, बेस पॉइंट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट दे दिया, फिर फर्स्ट पॉइंट इसको शो कर रहा है ये मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, और एक सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूँ। अभी ये देखिए इसने मुझे आउटर एंगल शो कर दिया, ये देखिए 270 डिग्री पे ये हमारा बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारी डायमेंशन सेंटर कमांड, जिसकी शॉर्ट की होती है DCE। ये बेसिकली यूज़ की जाती है किसी सर्कल का सेंटर निकालने के, जैसे कि सी एंटर, मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया। अभी मुझे इसका सेंटर पता करना है तो मैं कैसे करूँगा, डी सी एंटर करूँगा, डी सी ई एंटर, और इस पर सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए इसने इसका सर्कल शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे, हमारी आईडी कमांड। आईडी कमांड की शॉर्ट की होती है आईडी। बेसिकली इस कमांड का यूज़ किया जाता है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक ये लाइन है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं जिस पॉइंट पे क्लिक करूँगा मुझे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट शो हो जाएगा। जैसे कि आईडी कमांड की शॉर्ट की एंटर करूँगा, आईडी एंटर। ठीक है, अभी ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट शो कर रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आपको इसने दिखाया है एक्स डायरेक्शन में इसका इतना कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन में इसका इतना है, और जेड में जीरो है। जेड में जीरो क्यों है, क्योंकि हम अभी 2D में वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसका पॉइंट 0 0 है दिखाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, मैं नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट शो करूँगा, तो आई डी एंटर स्पेसिफाई पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट का कैलकुलेट करूँगा। तो ये देखिए स्पेसिफाई एक्स पॉइंट का है, ये सेम टू सेम है, वाई का ये देखिए चेंज होगा, जेड का फिर 0 है, क्योंकि 2D में काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी हमारी टॉप 10 डायमेंशन टूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।